हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम व्यापम ग्रुप फोर 18 दिसंबर 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट मैथ के पार्ट फर्स्ट लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट डाल चुका है जिसमें 1 से 9 तक के क्वेश्चन हैं और इस पार्ट में 10 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है 10वें नंबर का कि यदि एक वस्तु को 6 की हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को ₹6 अधिक प्राप्त होंगे। वस्तु का मूल्य क्या है? तो हमें बताना है कि वस्तु का मूल्य क्या होगा यदि उसे 6% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लेंगे कि अपना जो जो वस्तु का ओरिजिनल मूल्य है, मान लेंगे कि वह 100% था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसे 6% की हानि की अपेक्षा 6% लाभ पे बेचेगा। यदि उसे 6% हानि पे बेच रहा था पहले, तो वो कितने पे बेच रहा था? 94% पे, 94 बेच रहा था। क्या समस्या है? ठीक है, अब वो उसे कितने पे बेच रहा है? 6% लाभ पे बेच रहा है। 6% लाभ यानी कि 100 का 6% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 106%। ठीक है, अब उसे फ़ायदा कितना हो रहा है? ₹6 का फ़ायदा हो रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस कितने हो जाए? 12%। ये जो 12% हो रहा है वो 6 के बराबर है, ₹6 के बराबर है, RS के बराबर है। यदि 12% 6 के बराबर है तो 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 6/12, यानी कि 1/2। 1% 1/2 है। अपना ओरिजिनल क्या था? 100% था। अपना 100% निकालने के 100% करने के लिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × 100 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × 100, सॉरी यहाँ 50 लिख गया था, 100 इक्वल टू हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, तो अपना आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें ट्रिक भी लगती है। अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो इसमें हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन इस ट्रिक को लगाने के लिए देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि रिपीटेशन हो रहा है 4 4 5 5 6 6 का, तो उसके लिए ट्रिक का यूज हो रहा है। तो लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पास 4 डिजिट आ रहे हैं, फिर आगे ये 4 3 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन इसके अगर प्लस में 1 डिजिट हो जाए तो ये ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन इसमें है नहीं तो ट्रिक काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे। पर यहाँ पॉइंट के बाद देख रहे हैं, दशमलव के बाद देख रहे हैं कि ये दशमलव के बाद 1 है, 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पास 3 डिजिट है, यानी कि इस वाले दशमलव के इधर वाले में अपना काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे कर रहे हैं। 1 1 1 1 4 1 है, प्लस 1 1 1 3 है, प्लस 2 हम इन्हें अलग कर लिए रहे हैं, और प्लस पॉइंट के इधर वाले को हम अलग कर लेंगे। ये होगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11। ठीक है, अब ट्रिक क्या, ट्रिक देखिए इधर वाले में अप्लाई हो जाएगी इस साइड वाले में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कि हम इसे देख लेंगे कि ये पॉइंट के कितने बाद है, ये 1 आ रहा है, सिर्फ एक ही बाद आ रहा है, तो ये 1, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट से 2 1 आ रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट से इधर 3 आ रहे हैं। तो ट्रिक क्या कह रही है कि ये जो 1 है का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पे तो कितना आ जाएगा? 1। अब ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि आ 0.3.21 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इधर इधर इसके लिए ट्रिक तो लग नहीं, इसे हम नॉर्मल हम कर लेंगे। नॉर्मल जब इसे लिख रहे थे तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, फिर ये 1 1 1, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और ये 2 और 1, यहाँ प्लस था और ये पॉइंट पॉइंट था। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब हम इसे लिखेंगे
ऐड करने पे 1233.321, और ऑप्शन में देख रहे हैं कि 321। देखिए ऑप्शन में यहाँ कोई भी मैच नहीं खा रहा ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। वो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण करने के मार्क्स जो 36% दिए हैं, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी 72 अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमें बताना है कि परीक्षा का कुल कितना मार्क्स का पेपर हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ 36% जो हो रहा है वो पासिंग मार्क्स है, और वो स्टूडेंट जो पा रहा है 72 नंबर पा रहा है, और वो फेल हो जा रहा है 18 मार्क्स से, यानी कि पास होने के लिए से कितने और मार्क्स की ज़रूरत थी, 18 मार्क्स की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 90, यानी कि 90 नंबर से पासिंग मार्क है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 90 नंबर है वो 36% के बराबर है, तो ये बराबर है 36% के, तो हमें 100% निकालना है, तो हम 1% निकालेंगे, 1% इक्वल टू हो जाएगा 90/36, तो 100% हो जाएगा कितना, 90/36/100। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा अपना 250, ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 है, तो समान राशि पर समान दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। यहाँ पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दर दिया हुआ है, कितना दिया है 5% दिया हुआ है। तो हम इस 5% ट्रिक में क्या करेंगे, 5% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, टाइम कितना दिया, समय दिया हुआ 3 ईयर के लिए। देखो ट्रिक में क्या करेंगे, यदि दो दो साल का है तो इसका जो नीचे वाली संख्या ये आ रही है फ्रैक्शन के नीचे, हम इसके स्क्वायर कर देंगे, यदि 3 साल है तो हम इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास 3 साल दिया हुआ है, तो हम 3 साल के लिए क्या कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे, 20 का क्यूब कितना आ जाएगा, 20 का क्यूब करेंगे हम, तो यहाँ पास 8000 आएगा, तो ठीक है, यहाँ पास हम 8000 लिख लेंगे, ठीक है। 8000 लिखने के बाद ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा साल हो जाएगा, और ये तीसरा साल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस 8000 का पहले साल कितना लगेगा, 1/20 लगेगा, 1/20 कितना होगा 8000 का, ब्याज लगेगा 1/20, 1/20 8000 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ठीक है। दूसरे साल भी 1/20 लगेगा, ये हो जाएगा 400, तीसरे साल भी इसका 1/20 लगेगा, ये हो जाएगा 400। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, यहाँ पास सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 1200 पार्ट हो रहा है, ठीक है, एक तरह से पार्ट हम समझिएगा 1200 हो रहा है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि कंपाउंड थर्ड ईयर वाला क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी लगाएगा और फर्स्ट ईयर में भी लगाएगा, और जो सेकेंड ईयर में जो भी ब्याज हो रही थी वो फर्स्ट ईयर वाले से भी लिया जाएगा, तो ठीक है। तो हम इससे जब इसका जब हम 1/20 ले रहे हैं, 1/20 करेंगे, तो इसका जब हम 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे कटेगा 0 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरे साल वाला जो था ये पहले वाले साल वाले से लेगा ब्याज 1/20, पहले साल वाले में लगेगा 1/20, तो ये 20 हो गया, ठीक है। अब क्या था कि ये थर्ड ईयर वाला इससे सेकेंड ईयर वाले से भी लेगा, तो इसका जब हम 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब थर्ड ईयर डायरेक्ट फर्स्ट ईयर वाले से लेगा, फर्स्ट साल वाले का ब्याज जो होगा 1/20, 1/20 क्या हो जाएगा 20, ठीक है।
तो सिंपल इंटरेस्ट अपना 1200 आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आ रहा था, ये 20, ये 20 40 60 और एक 61, यानी कि 1261 अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा था। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो साधारण ब्याज है 1200 पार्ट इक्वल, क्वेश्चन में कितना दिया है 150, क्वेश्चन में 150 दिया हुआ 1200 पार्ट। ठीक है, तो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आ रहा था 1261 पार्ट, 1200 पार्ट तो हमें पता है 1261 पार्ट, तो 1200 पार्ट तो हमें पता है 150, हम अगर 61 पार्ट और निकाल लें तो हमें पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो एक पार्ट 61 पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1250 दिया हुआ था, 1200 पार्ट इक्वल टू 150 जो दिया हुआ था, तो हमें इसका एक पार्ट निकाल लें, एक पार्ट कितना हो जाएगा 150 बटे 1200। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये जीरो जीरो कट गया तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, एक पार्ट इसका भी 1/8 आ रहा है, तो 61 पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 61 पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 61। जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो ये अपना सॉल्व करने के बाद आ रहा, तो 7.625 आ रहा था। ठीक है, तो हमें कितना निकाला था, 1261 पार्ट निकाला, तो 1200 पार्ट अपना दिया था, 1200 पार्ट दिया था 150, और 61 पार्ट हमने अभी निकाला कितना आ रहा था 7.625, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 157.625 6 है, तो ये अपना ऑप्शन 157, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप पाइप वाला दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि तीन पाइप एबीसी एक पात्र को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे एक साथ चलने के पश्चात सी को बंद बंद कर दिया जाता है, ए और बी शेष पात्र को 6 घंटे में भर देते हैं, तो बताना है कि अकेले सी पात्र को भरने में कितना समय लेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, अगर साधारण मेथड से करेंगे तो काफ़ी समय में लगेगा। देखो, अब क्या कह रहा है कि ए बी सी जो था वो कितने घंटे में पाइप को भर रहा है, 6 घंटे में, 6 आवर में भर रहा है। सी और ये ए बी सी तीनों 2 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद सी जो था वो सी बंद कर देता है। ठीक है, तो सी जो था अपना कितना किया, 2 किया, ओके, और ए एंड बी जो बचे हुए इस काम को 8 घंटे काम को 8 घंटे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 6, 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा अपना 24 आ रहा है, ये एलसीएम जब लिए तो इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, जब एलसीएम इसका 24 आ रहा है यानी कि टोटल अपना काम हो गया ये 24 हो गया, ये जो 24 आ रहा है ये टोटल काम आ रहा है। ठीक है, टोटल काम आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि सी सी कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, सी 2 काम करता है यानी कि 24 करने के लिए सी को 12 दिनों की जरूरत, 12 दिन 24, हाँ 12 घंटे में सी कर पाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक ट्रेन एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मीटर में बताना ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ये वाले क्वेश्चन तो सीधे अपने फार्मूले पे ही सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, अब देखो दूरी की बात करेंगे, दूरी की यदि देखो यदि कोई ट्रेन किसी भी खंभे या भी किसी भी आदमी को क्रॉस कर रही है तो जो भी लंबाई हो रही है, तो जो भी लंबाई हो रही है इसकी, उसकी लंबाई हो जाएगी सिर्फ ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, और यदि वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जो इसकी कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ये पोल को कर रही है। ठीक है, तो ये जो हम निकालेंगे इक्वल टू हो जाएगा चाल, स्पीड हम देख लेंगे, स्पीड अपनी कितना 60 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, समय कितना दिया 30 सेकंड में दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा 36 18
1800 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करने पर, तो 18 18 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने अपना जो आ जाएगा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 500 मीटर आ गई। ये ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर संख्या में बांटे तो 8 मिठाइयाँ शेष रह जाती हैं। यदि 28 बच्चे हों तो उन्हें बराबर संख्या में बांटने पर 22 मिठाइयाँ शेष रह जाती हैं। तो मिठाइयों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, उसने कहा मिठाइयों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि एक स्टूडेंट जो हो रहा है, एक स्टूडेंट को हम एक मिठाई दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर आप अपने जो मिठाइयाँ होंगी, हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ मिठाइयाँ जो हैं वो यक्स है, ठीक है। तो यदि टोटल नंबर ऑफ मिठाइयाँ यक्स है तो 25 बच्चों में बांटेंगे जब, तो ये हो जाएगा 25 यक्स और 8 बच जाती हैं तो +8 हो गया, ओके। अगला क्या कह रहा है, यदि 28 बच्चों में बांटे तो हम मान लेंगे, यदि इसके लिए वाई मान लेंगे, वाई वाई है, तो ये हो जाएगा 28 वाई प्लस कितनी मिठाई शेष रह जाती हैं बराबर, अब इन दोनों को हम इक्वल टू कर देंगे, 25 यक्स प्लस 8 बराबर हो जाएगा 28 वाई प्लस 22। तो हम 8 को इधर ले जाएंगे, 25 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 28 वाई प्लस, इसे माइनस करेंगे ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ 25 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 वाई हो रहा है। अब हम वाई को इधर नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 यक्स अपॉन 1 प्लस 2 वाई इक्वल टू 14। अब इस वाई को हम इधर से उठा के इसके नीचे साइड ले जाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपन 25 आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यक्स बराबर, यहाँ से देखिए यक्स बराबर 14 आ रहा है, 1 प्लस 2 वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू 14। यदि यक्स इक्वल टू 14 अगर हो रहा है अपना, तो हम इस 14 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 14 + 8, ये हो जाएगा बराबर, इसे जब हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 350 + 8, ये हो गया 358, यानी कि अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कस का तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंकु के आकार का है। यदि आधार का व्यास 140 मीटर है और शंकु के आकार वाले हिस्से की तिर्यक ऊंचाई 80 मीटर है तो तंबू को बनाने के लिए लगने वाले 2 मीटर चौड़े कपड़े की लंबाई बताना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो सरफेस एरिया, हम देखिए इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ये कह रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो एक बेलनाकार है ये, ठीक है, और इसकी ऊपर का जो पार्ट है वो शंकु का है, ठीक है। अब ये जो इसकी बोल रहा है, इसकी जो जो है ये डायमीटर इसका दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है 140 मीटर है, ओके सर, इसको थोड़ा ऐसा, और इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई ऊंचाई जो बोलेंगे वो दिया हुआ है 3 मीटर। अब बोला, अब देखो जो इसका जो एरिया है, नीचे का एरिया बोला हूँ, व्यास है, वो व्यास इसका भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ पास व्यास 140 हो गया और इसने शंकु का दिया हुआ, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 80 मीटर दिया हुआ है, ओके। तो हम टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब हम निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ इस बेलनाकार का और प्लस सरफेस एरिया ऑफ शंकु का। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh हाइट प्लस, और ये जो शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल
आर जो उसकी रेडियस हो रही है, देखिए जब एरिया यहाँ पास आर रेडियस है तो आर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 140, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर बाई टू, डायमीटर का आधा होती है, तो रेडियस अपने कितने आगे 70 आगे, जब यहाँ 70 अपना पुट कर रहे हैं 70, तो ये हो जाएगा 2 पाई का 22/7, रेडियस 70 है, हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर दी हुई है, प्लस पाई वही 22/7 कर देंगे, और आर जो हो रहा है 70 है सेम है, और इसकी जो लेंथ है वो दिया हुआ है इंटू 80 मीटर, यहाँ से ये कट जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा इधर 13/20, प्लस इसे ये भी यहाँ कट जाएगा, और इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 176,000, और जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे आएगा 189,20, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये तो अपना टोटल एरिया हो रहा है, ठीक है, अब वो कह 2 मीटर वाले चौड़े कपड़े की हमें बताना है, 2 मीटर वाले चौड़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 189,2 189,2/2, तो इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा अपना 9,460 मीटर, तो ये अपना आया सी ऑप्शन आ गया। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो आएंगे अगले वाले शिफ्ट वाला, इवनिंग शिफ्ट का।